All right, hi everyone, welcome on board. Let's get the party started. Exam prediction, let's begin. 66 क्वेश्चन आ सकते हैं, 76 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? ये दोनों का रेंज के अंदर क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे पेपर सेट है. एज्यूम करके चलते 66 क्वेश्चन आएंगे. वर्ब जिनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ठुका हुआ है उनके लिए बहुत सेक्शन अगले 3 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है. वर्बल एबिलिटी के अंदर आरसी पैराजम्बल पैरासमरी आउट ऑफ कंटेक्सट आएगा, सिंपल फंड है. वर्बल के 24 क्वेश्चन एंड आरसी के 4 16 क्वेश्चन और पैराजम्बल पैरासमरी आउट ऑफ कंटेक्सट 5 + 3 टोटल कितने हो गए 8 क्वेश्चन. आप कुछ मत करो, कॉन्फिडेंस बूस्टर करने जस्ट डू 1 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 4 क्वेश्चन एंड टू 1 क्वेश्चन फ्रॉम पैरासमरी पैराजम्बल और आउट ऑफ कंटेक्सट. 4 और 4 सिर्फ 8 क्वेश्चन बनाइए 40 मिनट के अंदर, 5 मिनट पर क्वेश्चन. तू 9वें क्वेश्चन को टच भी नहीं करेगा मेरी जान अगर तू फुल एक्यूरेसी से वो ढूंढ पाता है. एक आरसी पक्का ईजी होगा साइन बाय ब्लड और ऐसे पैरासमरी पैराजम्बल में से 8 में से 4 क्वेश्चन पक्का ईजी होंगे साइन बाय ब्लड. अगर तू बना पाता है यू आर क्रॉसिंग 90% यू आर इन द टॉप 20,000 पीपल. हाउ कूल इज दैट, हाउ कूल इज दैट. तो जिनका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं हो पा रहा इनको 90% तक पहुंचना है पहले, तो हमने को 8 सवाल बनाने ही बनाने. एक आरसी करना है पैराजम्बल पैरासमरी में से 8 में से 4 सवाल करने हैं, ठीक है? सिर्फ इतना करिएगा, समझ आए? 50% पेपर अटेम्प्ट करके आना वर्बल एबिलिटी का और कोशिश करनी है 50% पेपर नहीं, सिर्फ एक आरसी, बाकी आरसी छोड़ने हैं, लाइफ इज गुड. आगे क्वांट में से क्या करना है जिनका कॉन्फिडेंस ठुका पड़ा है? क्वांट में से अर्थमेटिक आना है, एल्जेब्रा आना है, ज्योमेट्री आने 22 सवाल आने. अर्थमेटिक की 11 सवाल स्टैंडर्ड है, एल्जेब्रा के 5 सवाल है, ज्योमेट्री की 3 सवाल है. मैंने पूरा अच्छे से लिख दिया, ये देखो. अच्छा ये ना मैं पूरा का पूरा एनालिसिस है, ये 1 साल का नहीं है, ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका कॉन्फिडेंस हिल रहा है. सिर्फ इतना करिए अर्थमेटिक 11 सवाल 5 अटैम्प्ट करेगा तो बस बस छठा करना ही नहीं मैनू. सर पेपर ईजी आएगा, करना ही नहीं तेनू. 10 साल से तेरे को 50% पेपर अटैम्प्ट करके 99% ला रहा है, 10 साल से ऐसा हो रहा है. तो इस साल अपने आप को इतना विभिन्न क्यों मान रहा है? मैं बोल रहा हूँ ना मेरी जान, मेरे पे ट्रस्ट कर. एल्जेब्रा 5 सवाल आने उस पर से 2 अटैम्प्ट कर, 2 3 2 3 2 3. ज्योमेट्री 3 सवाल आने, 1 2 अटैम्प्ट कर. नंबर सिस्टम 2 सवाल आने. इन शॉर्ट अभी इतना तो स्मार्ट हो गए हो तुम, कोई क्वेश्चन देखे पता चल जाता है कौन सी कैटेगरी का है ना भाई. हाउ कूल इज दैट. मैच 1 सवाल आना है, वो एक अगर कर सकता तो बढ़िया. टोटल 22 सवाल आने हैं जिनका कॉन्फिडेंस ठुका पड़ा है. कुछ मत करिए, उस 22 में से सिर्फ 11 सवाल अटेम्प्ट करेंगे, बस लिख के ले जाओ, लिख के लो. अगले मॉक में ऐसे ही करेंगे. मुझे 13वां करना ही नहीं, 12वां करना ही, तुक्के मारने नहीं, अपनी औकात ही नहीं है. 11 क्वेश्चन ठीक, पूरे तूने 10 क्वेश्चन निकाल लिए, से चल तूने 10 अटेम्प्ट किए 80% एक्यूरेसी में, 8 ठीक कर लिए. दिस इज इक्वल टू 90-92% आई थिंक. व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट सर? पिछली बार कोई भी स्कोर कार्ड देख लें, समझ आ रही है? जिनका कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है तो यहाँ तक पहुँचना बहुत जरूरी है. ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, होल्ड ऑन. हाँ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्यों बेटा? सिंपल फंड है, सिंपल फंड है. 10 क्वेश्चन 80% एक्यूरेसी, 8 सवाल, 40 मिनट्स का टाइम है, 5 मिनट पर क्वेश्चन बनने चाहिए. इजी क्वेश्चन. होप यू गाइस एंजॉयड टुडे सेशन. थैंक यू सो मच जॉइनिंग इन बॉयज एंड गर्ल्स.